वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 4 जिसमें मैं बात करने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी कवर कर रहा हूं मैं इस समय, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था और साथ में ये भी बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कालाइड। यहां पर एल्कालाइड की केमिकल प्रॉपर्टी वो भी हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। राइट, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कालाइड। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 है रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। देखिए, पहली प्रॉपर्टी जिसमें OH एक्ट करती है जस्ट लाइक एज ए न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। राइट, तो इसमें स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्हेनेवर एल्कालाइड इज रिएक्ट विद एल्कोहलिक QH और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, या तो एल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट करें या फिर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट करते हैं एल्कालाइड को, तो इट गिव्स एल्कोहल्स। यदि एल्कालाइड से कभी भी एल्कोहल बनाना हो तो या तो एल्कोहलिक QH के साथ एक्वस QH के साथ रिएक्ट करें या फिर आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें। चलिए रिएक्शन बताता हूं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड CH3CH2 आपका इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, सपोज एल्कालाइड इज रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप रिएक्ट करते हैं सो OH नेगेटिव एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये रिप्लेस कर देता है अपने कंपाउंड से और यहां मिलता CH3CH2 और OH। बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, के और Br, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दो, ये मिलता है प्लस KBr। राइट, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलरली आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस लेके चलते हो तो आपको एल्कोहल मिलता है, एक ही तरह से रिएक्शन। एक और आप सिमिलरली बता सकते हैं बहुत आसानी से कि यदि हम एल्काइल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ ये सिल्वर ऑक्साइड है, मॉइस्ट बोलेंगे इसको, इसमें दो केस होते हैं बेटा, मॉइस्ट का अलग होता है और ड्राई का अलग होता है, तो ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ आपका रिएक्ट करता है तो यहां पर भी आपको एल्कोहल मिलता है CH3CH2 और OH मिलेगा और साथ में AgCl मिल जाएगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जब भी सिल्वर ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है, नमी के साथ रिएक्ट करता है, तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है, तो यही सिल्वर हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, तो या तो आप AgOH का OH यहाँ दिखा सकते हैं या फिर आप Ag2 का मॉइस्ट करके दिखा सकते हैं, तो दोनों का मतलब सेम रहता है। राइट, तो ये था पहला प्रॉपर्टी जिसके अंदर आपने OH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है हैलोजन से, जो कि आपको मिल जाता है एल्कोहल। दूसरी प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, हर एक रिएक्शन में पूरा ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको रिएक्शन में कहां दिक्कत आती है, जरा बताइएगा मुझे। तो दूसरी है रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप, यहां पर हम लोग एल्कोक्सी ग्रुप की बात करेंगे कि एल्कोक्सी ग्रुप में बेटा कैसे हम बना सकते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे पहला आपका जो प्रोडक्ट बनना है वो है विलियमसन सिंथेसिस। व्हाट टॉपिक नंबर 1, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इसका कंप्लीट स्टेटमेंट बता रहा हूं कि व्हेनेवर एल्कालाइड इज रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड, स्टेटमेंट ऑफ फिनोक्साइड भी आता है कि व्हेनेवर एल्कालाइड इज रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड इट गिव्स ईथर, ये आपको ईथर बना के देता है। तो चलिए स्टेटमेंट बता के दे रहा हूं कि व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड, यस व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, तो देखिए सोडियम एल्कोक्साइड लिखने का तरीका मैं ऐसे बता देता हूं, उल्टा करके लिखता हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये एल्काइल ग्रुप और ये दोनों
एल्कोक्सी ग्रुप आपस में ज्वाइन करा लो, CH3 CH2 और O के साथ में CH2 और CH3। और सिमिलरली यहां पर क्या बना, NaBr आपका बाय प्रोडक्ट में जो बनता है वो बनेगा NaBr। तो ये देखो ईथर बन जाता है। ईथर बनाने का तरीका है बाय विलियमसन सिंथेसिस, यू कैन इजीली प्रिपेयर द ईथर। सिमिलरली बेटा हम चलते हैं आगे, दूसरा तरीका है इसका बाय ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की मदद से भी ईथर बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट सुनिए कि व्हेनेवर एल्कालाइड, टू मोल्स ऑफ एल्कालाइड रिएक्ट विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड इट ऑलवेज गिव्स ईथर। तो ध्यान देना, दो मोल अगर आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ में ड्राई के साथ में यदि आप रिएक्शन करते हैं, दो मोल चाहिए बेटा AgCl का, ये देखिए तो यहां पे क्या मिलता है CH3 इसके साथ में क्या हो जाता है O प्लस टू मोल्स ऑफ AgCl। देखिए टू मोल्स ऑफ एल्कालाइड रिएक्ट विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, यहां पे लिखो ड्राई या मॉइस्ट लीजिए तो आपको बेटा ईथर मिलता है और साथ में बाय प्रोडक्ट में टू मोल्स ऑफ AgCl मिल जाता है, राइट। तो ये है एल्कोक्सी ग्रुप्स के, अगर आप करते हैं तो आपको यहां पर प्रोडक्ट मिल जाता है बहुत आसानी से। अब चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट में तीसरे रिएक्शन पर, रिप्लेसमेंट बाय CN ग्रुप। बेटा यस, हम लोग CN ग्रुप के रिप्लेसमेंट की बात करेंगे कि आखिर CN एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो CN एज ए रिप्लेसमेंट पे बात करेंगे। तो यहां पर आपको रिप्लेसमेंट CN की बात करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, देखो मैं एक बार दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय CN ग्रुप, ठीक है। अब अगर CN ग्रुप के रिप्लेसमेंट की बात करूंगा तो कैसे CN ग्रुप से रिप्लेसमेंट करते हैं, इसके लिए क्या क्या रिएक्शन आते हैं। तो ध्यान सुनिएगा कि व्हेनेवर एल्कालाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KCN, यस एल्कालाइड को एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करिए आपको नाइट्राइल्स मिलते हैं, CN कंपाउंड मिलता है, इट इज नोन एज नाइट्राइल्स। देखो व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद KCN, और ये KCN कैसा होता है, एल्कोहलिक KCN है, CN एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, Br को रिप्लेस करेगा, CH3 CH2 और CN बन जाएगा, K और Br को कंबाइन करो KBr बन जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या मिलता है, नाइट्राइल्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्राइल्स। इथेन तीन कार्बन है, प्रोपीन नाइट्राइल या आप लोग इसको नाइट्राइल साइनाइड भी बोल सकते हैं। अब ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दो केस आपको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ने को मिलेंगे और दो केस रिडक्शन में पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए मैं बात करने वाला हूं इनके रिप्लेसमेंट के, CN में चार इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करूंगा जिसमें हाइड्रोलिसिस और उसके बाद में बात करूंगा इनकी रिडक्शन की। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर पहला केस हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो पहले बात करूंगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, उसके बाद बात करूंगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो देखिए तो एल्केन नाइट्राइल को यदि आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस चाहिए। तो देखो ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा गलत नहीं बनेगा, इसको थोड़ा H2 अलग कर लो, O अलग कर लो, ऑक्सीजन को दो कार्बन के साथ, तो देखो CH3 CH2 और CO, ऑक्सीजन को कार्बन के साथ में और दो हाइड्रोजन बचे ये नाइट्रोजन के साथ, उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होगा। चलिए तो प्रोडक्ट बनाना है क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एक मोल पानी ऑक्सीजन को प्रोवाइड करो कार्बन को और हाइड्रोजन को प्रोवाइड करो नाइट्रोजन को, तो क्या मिला आपको, मिला यहां एसिड अमाइड। ध्यान देना इसका नाम लिखो, एसिड अमाइड मिलता है जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं CN का, नाइट्राइल को पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड अमाइड बनता है। सिमिलरली अगर आप सेम प्रोडक्ट में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में होता है पानी, दो मोल पानी चाहिए, दो मोल, या लिखते हैं कंप्लीट
हाइड्रोलिसिस, राइट। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या मिलेगा आपको, यहां पर डाइल्यूट एचसीएल चाहिए। अब डाइल्यूट एचसीएल तो हो ही जाएगा जब ज्यादा पानी बढ़ाएंगे, तो क्या मिलेगा यहां पर, मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन पहले स्टेप में आपको एसिडामाइड मिलेगा, लेकिन दूसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मैं आपको डायरेक्टली रिलेशन बना के दिखाता हूं, उसके बाद इन रिएक्शन को दोबारा से बना के दिखाता हूं। देखो इसमें दो मोल पानी है, तो दोनों मोल पानी कैसे तोड़ना है, देखो एक मॉलिक्यूल टूटेगा H+ में OH- नेगेटिव में, दूसरा मॉलिक्यूल टूटेगा H2 में और O में। ये दो मॉलिक्यूल है आपके पास, ऐसे तोड़ो। अब देखना यहां पर CH3 CH2 CO, देखो ये वाला ऑक्सीजन आपने कार्बन को दिया और साथ में ये वाला OH इसको दिया, क्या मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे क्या बचा, H+ H2 ठीक है, नाइट्रोजन और HCl, इन सबसे कंबाइन करने के बाद यहां बनता है NH4Cl। जो जो चीज बची है उन सबको कंबाइन कर दो, प्रोडक्ट मिलता है आपको अमोनियम क्लोराइड। तो उम्मीद करता हूं ये तोड़ना आपको आ गया होगा। अब इसी रिएक्शन को एक बार फिर बताता हूं, इस रिएक्शन को आप दो स्टेप में और करके लिख सकते हैं कि जब भी आप एल्केन नाइट्राइल को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करते, तो पहले एक मोल पानी लेके चलेंगे, साथ में HCl लेके चलेंगे, तो एक मोल पानी में आपको क्या मिलता है, एसिड अमाइड मिलेगा। देखो कार्बन पे ऑक्सीजन दिया और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दिया, एसिड अमाइड मिला। बचा हुआ एक स्टेप पानी, एक और मॉलिक्यूल बचा HCl को, यहां पर दोबारा से एसिड अमाइड को पार्शियल फिर हाइड्रोलाइज कर दो, तो यहां पर ये पानी टूटता है H+ में और OH- नेगेटिव में, तो यहां पर आपको मिलता है CH3 CH2, इसके साथ में OH लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से क्या बचा NH2, यहां से क्या बचा H, HCl के साथ कंबाइन करो, क्या बचता है NH4Cl। तो बेटा ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो आपका है, ये दो स्टेप में आप ऐसे बता सकते हैं कि ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस इट गिव्स एसिड अमाइड, और ऑन एसिड अमाइड, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑन एसिड अमाइड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या इस रिएक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट में, हाइड्रोलिसिस के बाद आता है दूसरा पार्ट रिडक्शन का। तो बेटा रिडक्शन क्या कहता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस, यहां पर जो बात करूंगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करूंगा, तो नाइट्राइल्स को रिड्यूस करने पे पार्शियल रिड्यूस करूंगा और दूसरा रिड्यूस करूंगा कंप्लीट। तो देखिए क्या मिलेगा कि जब हम एल्केन नाइट्राइल को रिड्यूस करते हैं टू पार्शियल रिड्यूस करेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और साथ में HCl, ये पार्शियल रिडक्शन है, ध्यान देना, और इसको बोलते हैं स्टीफंस रिडक्शन। क्या बोलते हैं, पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम है स्टीफंस, स्टीफंस रिडक्शन, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन स्टीफंस रिडक्शन की आप बात करेंगे तो यहां इन दोनों के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड बना के बात करूंगा ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या मिलने वाला है, एक बॉन्ड तोड़िए इनके बीच का CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ध्यान दो तीन बॉन्ड थे एक बॉन्ड तोड़ा, क्या हो जाएगा दोनों हाइड्रो सेटअप किया, साथ में यहां से HCl उठाओ डॉट HCl। उम्मीद करता हूं इतना प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको पानी के साथ आप हाइड्रोलाइज करो, पानी के साथ आप हाइड्रोलाइज करो, तो पानी कैसे टूटेगा H2 और O, ऑक्सीजन अलग करना हाइड्रोजन अलग करना, तो देखो क्या मिलेगा ट्रिक से CH3 CH2 ये यहां तक रहेगा, इसको बेटा ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, हाइड्रोलिसिस के पास ऑलरेडी था क्या दिखा एल्डिहाइड, और ये जो राइट हैंड साइड पे बचा हुआ है इसको यहां पे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करो, ये बनाएगा NH4Cl। तो जो मैंने ट्रिक बताई है बड़े ध्यान से ट्रिक को समझना कि पानी कहां टूट रहा है, हाइड्रोजन कहां पर ऐड हो रहा है, कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, एक भी रिएक्शन आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये दावा है मेरा। तो यहां पर आपको ये मिलता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बना सकते हैं आप, तो पार्शियल रिडक्शन को बोलते हैं स्टीफंस रिडक्शन। दूसरा कंप्लीट रिडक्शन में आप लोगों को सेम रिएक्शन को हम प्रोसीड करते हैं, तो दो मोल हाइड्रोजन चाहिए, कितना बेटा दो मोल, जब आप हाइड्रोजन लेके चलते हैं निकिल के साथ भी आप रिड्यूस कर सकते हैं कंप्लीट, और सोडियम एल्कोहलिक के साथ भी रिड्यूस कर सकते हैं,
तो जब भी आप निकिल के साथ रिड्यूस करेंगे तो भी कंप्लीट एडोलिसिस होगा, बट कोई नियम रिएक्शन नहीं बनेगा। लेकिन एल्कोहलिक सोडियम के साथ लेके चलेंगे तो इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। यहां पर लेके चलना है एल्कोहलिक, या तो आप ऐसे लिख दो एल्कोहलिक सोडियम, या फिर C2H5 लिखा दो। दिखाने के तरीके होते हैं, तो देखिए चार हाइड्रोजन, दो यहां और दो यहां, क्या मिलेगा देखो CH3 CH2 है ना, और इसको दो हाइड्रोजन दो तो CH2 और नाइट्रोजन को दो दे दो, तो ये मिलता है 1 डिग्री अमाइन। व्हाट क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन मिलता है ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीन टॉपिक मैंने कवर किए हैं, चौथे टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं, तब तक मैं इरेज करता हूं, आप लोग इसे समझिए। तो इरेज कर लेता हूं मैं इतनी देर में। तो देखिए इसमें हमारा सब टॉपिक कवर हुआ है, और ये चार प्रॉपर्टी, ये चार रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाले, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो कंप्लीट करते हैं, और आप लोग साथ साथ वीडियो को पॉज करके नोट्स में लिखते जाइए, ज्यादा बेटर है, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताते जाएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनना स्टार्ट करूंगा, सुन के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कहां आपको और दिक्कत में प्रॉब्लम आती है तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए तो चौथे टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं यहां पर। तो चौथा टॉपिक आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए, एनसी हमारे पास चौथा होता है फॉर्मेशन ऑफ, फोर्थ टॉपिक होता है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, मतलब रिप्लेसमेंट बाय एनसी। तो एनसी का रिप्लेसमेंट पे बात करूंगा। जैसे आपने एल्कालाइड को केसीएल के साथ एक किया था, क्या मिला था नाइट्राइल मतलब सीएल, अगर मैं एजीसीएल के साथ लेके चलूंगा तो यहां पर मिलेगा आपको एनसी। तो व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgCN, और बेटा AgCN कैसा होता है, एल्कोहलिक AgCN, इट गिव्स CH3 CH2 और यहां पे लगेगा NC, और दोनों कंबाइन करो बेटा क्या देखेगा AgBr, राइट, प्रोडक्ट समझ में आ रहा होगा। देन ये आपका एनसी बन गया। इसके भी दो केस होते हैं, हाइड्रोलिसिस का और रिडक्शन का। तो देखिए जब आप नाइट्राइल्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलेगा, पहला केस इसका है हाइड्रोलिसिस, इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस। तो देखिए व्हेनेवर एल्केन आइसोनाइट्राइल इज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज, जब आप इसे कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करते हैं साथ में HCl रखते हैं तो क्या मिलने वाला, देखो यहां पर CH3 CH2 और देखिए यहां पर आपके पानी कैसे टूटता, देखो H पॉजिटिव में टूटेगा, OH नेगेटिव में टूटेगा, एक मॉलिक्यूल टूटेगा H2 में और O में। यहां से क्या करना, दो हाइड्रोजन यहां पे प्रोवाइड करो, कितना हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन को यहां से दो हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, अब क्या बचा, एक H+ एक OH नेगेटिव एक O, ये कार्बन बचा ना। तो देखो कार्बन के साथ क्या सेटअप करता हूं, पहले H, ठीक है H हो गया, ये कार्बन सेटअप किया, इसके साथ में ऑक्सीजन सेटअप कर दो, ये दोनों हो गया ऑक्सीजन सेटअप, और इसके साथ इधर OH नेगेटिव। तो आपको यहां पर एक कार्बन का हमेशा क्या मिलेगा, मिथिनोइक एसिड, यानी एक कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। उम्मीद करता हूं ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो NC को जब आप कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको 1 डिग्री अमाइन मिलता है, इससे पहले केस में भी आपको 1 डिग्री अमाइन मिला था। दूसरा केस होता है रिडक्शन, लिख देते हैं कंप्लीट रिडक्शन तो होना ही है, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या कहता है बेटा, ध्यान देना, रिडक्शन में आप लोगों को आइसोनाइट्राइल को जब आप रिड्यूस करते हैं तो दो मोल हाइड्रोजन एल्कोहलिक सोडियम आप लेके चल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पहले मैंने एल्कोहलिक लिख दिया था, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा, देखो चार हाइड्रोजन है तो CH3 CH2 N के साथ में एक हाइड्रोजन शेयर करो, बाकी तीन बचे वो कार्बन को दे दो, तो ये कौन सा अमाइन मिलता है, 2 डिग्री अमाइन यहां मिला, और यहां क्या मिलेगा 1 डिग्री का अमाइन। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों ही रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट है। अब चौथे टॉपिक के बाद चलते हैं पांचवें टॉपिक में, जो कि हमारे पास है हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन।
एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है होफमैन की, जिसमें आप लोग एल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो प्रोडक्ट आपको मिलता है इसमें अमाइन। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्हेनेवर एल्कोहलाइड्स रिएक्ट विद एल्कोहलिक अमोनिया इट विल गिव्स मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वार्टनरी सॉल्ट। चार चीजों का मिक्सचर मिलता है इसमें, दो कंडीशन होती हैं, डाल दीजिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद एल्कोहलिक अमोनिया, ध्यान देना एल्कोहलिक अमोनिया चाहिए, सीएल यहां से हटाओ तो CH3 CH2 यहां पर NH2 1 डिग्री अमाइन मिलेगा और साथ में HCl ये मिलेगा 1 डिग्री अमाइन, ध्यान देना ये रिएक्शन यहां पर भी रोका जा सकता है। कब? व्हेनेवर अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस, अगर अमोनिया को ये ज्यादा अमाउंट में लेके चलोगे इन कंपैरिजन टू एल्कोहलाइड तो ये रिएक्शन एक स्टेप पर रुक जाएगा। अगर आप लोग इसे रिएक्शन को पीएचटीएमआई मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अगर मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एल्कोहलाइड को एक्सेस में रखेंगे। तो अगर आपके पास एल्कोहलाइड एक्सेस में होगा तो देखिए दूसरा स्टेप CH3 CH2 Cl एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहलाइड को रिएक्ट करा दो 1 डिग्री अमाइन के साथ में। जब आप 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन यहां से हटाओ, क्या मिलेगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH, तो बेटा एक H यहां से निकला एक Cl, क्या मिलेगा HCl। उसके बाद ये क्या मिला 2 डिग्री अमाइन। उसके बाद चलते हैं आगे, अगेन एक्सेस अमाउंट में एल्कोहलाइड मेरे पास तो CH3 CH2 Cl एक बार फिर दोबारा से एल्कोहलाइड, अब 2 डिग्री अमाइन के साथ लेके चलो तो 2 डिग्री अमाइन को आपने कंसीडर किया, ये हो गया 2 डिग्री अमाइन, एक आइटम और बचा इसका एक और आइटम हटा दो तो CH3 CH2 का होल थ्राइस ये बना 3 डिग्री का अमाइन और प्लस HCl, दिस इज द 3 डिग्री अमाइन। और लास्ट स्टेप 3 डिग्री अमाइन को यदि हम 3 डिग्री अमाइन को रिएक्ट करा दें किसके साथ में एल्काइल हैलाइड के साथ में तो हम फॉर्मेट खराब नहीं करेंगे, फॉर्मेट हमारा सेम चलेगा। यहां पर हमने लिखा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, कितना ये 3 डिग्री एल्कोहलाइड के साथ जब भी हम रिएक्शन करते हैं और ये रिएक्शन सील्ड ट्यूब के अंदर होता है, ध्यान रखना एल्कोहलिक अमोनिया का रिएक्शन सील्ड ट्यूब के अंदर होता है तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा क्वार्टनरी सॉल्ट मिलेगा CH3 CH2 का होल 4 N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्वार्टनरी सॉल्ट। क्या बोलते हैं? क्वार्टनरी सॉल्ट, राइट। चलिए तो ये आप लोगों को पांचवा टॉपिक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। यहां पर आपने होफमैन अमोनोलिसिस पढ़ा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर अमोनिया का अमाउंट एक्सेस में लेके चलोगे तो रिएक्शन एक स्टेप रुक जाएगा, अगर एल्कोहलाइड एक्सेस में होगा तो यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टनरी सॉल्ट का मिक्सचर मिलता है। देन अब इसके बाद बात करने वाले हम लोग टॉपिक नंबर 6 पर, यहां पर है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। देखिए अब आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है NO2। स्टेटमेंट कि व्हेनेवर एल्कोहलाइड रिएक्ट विद AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड, तो एल्कोहलाइड को जब भी आप AgNO2 के साथ रिएक्शन करते हो सिल्वर नाइट्राइड के साथ तो ये NO2 रिप्लेस करता है, तो यहां पर आपको मिलेगा CH3 CH2 NO2 साथ में AgCl, दोनों कंबाइन कर दो AgCl, राइट। तो ये मिलता है नाइट्रो एल्केन, ध्यान देना नाइट्रो एल्केन बनता है। इसी तरह से 7th नंबर पे आता है आपका रिप्लेसमेंट बाय ONO, ठीक है, तो ONO ग्रुप नाइट्रो और नाइट्राइड दो ग्रुप होते हैं। तो यहां पर हम लेके चलते हैं स्टेटमेंट को कि व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद KNO2, ध्यान देना ये जो सॉल्यूशन होता है एक्वस और एल्कोहलिक होते हैं, ये दोनों का एक्वस और एल्कोहलिक का मिक्सचर चलता है। देखिए कि व्हेनेवर एल्कोहलाइड एंड पोटेशियम नाइट्राइड इज रिएक्ट विद ईच अदर इट गिव्स, देखो पोटेशियम और ये क्लोरीन को आप अलग कर दो CH3 CH2 ये हो जाएगा ONO प्लस KCl, ठीक है, तो ये आपको क्या मिला
एल्काइल नाइट्राइट, क्या बोलेंगे इसको, एल्काइल नाइट्राइट मतलब दो कार्बन, तो इथाइल नाइट्राइट हो जाएगा, जनरल नेम इज एल्काइल नाइट्राइट। इसके बाद चलते हैं बेटा एट नंबर पर, तो रिप्लेसमेंट बाय ONO ग्रुप समझ में आ गया होगा, सेकंड लास्ट है बेटा, इसमें बोलते हैं रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, हम लोग कार्बोक्सिलेट ग्रुप से रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं। और स्टेटमेंट कहता है कि व्हेनेवर सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट विद एल्कालाइड, यानी कि एल्कालाइड को हम रिएक्ट करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो आपको यहां पर ईस्टर मिलता है, ईथर भी बनाया था, ईस्टर बनाएंगे। देखिए कि व्हेनेवर एल्कालाइड रिएक्ट विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए इट इज द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कालाइड में आपको पहले भी रिएक्शन पढ़ाया हुआ है इसका, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहां से बी आर इसका हटा दो, इसका ए जी हटा दो, ये दोनों यहां से हटाओ इस तरह से, ठीक है, ये वाला एल्काइल ग्रुप कहां जाएगा, इसके साथ में, तो रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये पूरा का पूरा, तो क्या मिलेगा, देखो सी एस थ्री सी ओ और ओ, जहां से बॉन्ड टूटता है बॉन्ड वहीं से बनता है, इस बात का भी ध्यान रखना, यहां से बॉन्ड टूटा, यहां से टूटा, तो यहां से जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, सी एच टू और सी एस थ्री, सी एस थ्री, कुछ बच्चे बेटा गलती करते हैं, ये बात विशेष ध्यान रखना कि बॉन्ड जहां से टूटता है वहीं से बनता है, ठीक है, और क्या मिलेगा, प्लस ए जी बी आर। उम्मीद करता हूं कार्बोक्सिलेट से जो रिप्लेसमेंट था वो समझ में आ गया होगा आपके पास। और देन नाइन नंबर पे चलते हैं, लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन। अब देखिए कभी भी आपको एल्काइन में कार्बन बढ़ाने हो तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वर्जन में बड़ा हेल्प करता है आपको। तो हायर एल्काइन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बात करते हैं, कार्बन के नंबर बढ़ाने को कैसे करते हैं, देखिए इसमें दो कंपाउंड होते हैं, एक मोनोसोडियम इथेनाइड होता है और एक होता है डाइसोडियम इथेनाइड। देखिए कैसे बनता है, मैं दोनों कंपाउंड बनाना सिखा रहा हूं। जब इथाइन को आप रिएक्ट कराते हैं NaNH2 के साथ में, साथ में अमोनिया होता है एल्कोहलिक 196 केल्विन टेम्परेचर के अप्रोक्स, तो जब आप इथाइन को रिएक्ट कराते हैं NaNH2 के साथ में, सोडामाइड बोलते हैं इसको, तो यहां पर सोडियम, एक सोडियम रिप्लेस होगा एक स्टेप में, सपोज यहां पे आएगा NaC ट्रिपल बॉन्ड और CH, इसको बोलते हैं मोनोसोडियम इथेनाइड, राइट। और अगर आपने इस रिएक्शन को फर्दर करा दिया तो दूसरा इसका कंपोनेंट भी यहां से रिप्लेस किया जा सकता है, NaNH2 और अमोनिया लेके चलते हैं यहां पर, तो यहां पर दो सोडियम का कंपाउंड बनता है ये इस तरह से, इसको बोलते हैं डाइसोडियम इथेनाइड, क्या बोलते हैं, दो सोडियम कंपाउंड है डाइसोडियम इथेनाइड, राइट, एक सोडियम लेफ्ट लगा हुआ है एक राइट लगा हुआ है। अब ये देखिए इसका काम क्या है और इसका काम क्या है, दोनों का ही मैं आपको काम समझाता हूं। आप समझो प्रॉपर्टी एल्कालाइड की पढ़ रहे हैं आप, तो हर जगह आपको रिएक्टेंट एज ए एल्कालाइड मिलेगा, तो देखिए क्या बोलेंगे कि जब हम एल्कालाइड को, यहां से प्रॉपर्टी समझना, एल्कालाइड को हम रिएक्ट करते हैं मोनोसोडियम एल्कानाइड के साथ, किसके साथ में, मोनोसोडियम एल्कानाइड, तो देखो क्या होगा, ये NaCl यहां से अलग कर लो, क्या मिला CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H, कितने कार्बन थे, दो कार्बन एल्कालाइड के आपने इथेनाइड में ऐड किए, तो चार कार्बन का हायर एल्काइन बना। तो कभी भी टर्मिनल एल्काइन बनाना हो, टर्मिनल का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसी एक एंड पे हो, तो टर्मिनल एल्काइन बनाना हो तो आप एक सोडियम वाले कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, और कभी भी आपको नॉन टर्मिनल बनाना हो, मल्टीपल बॉन्ड बीच में रखना हो, तो आप दो सोडियम का इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक और रिएक्शन इसका लास्ट, तो जब भी आप दो मोल एल्कालाइड को डाइसोडियम एल्कानाइड के साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं, ये बेटा क्या है आपका डाइसोडियम एल्कानाइड, जिसमें दो दो सोडियम लगे हैं, यहां दो मोल एल्कालाइड, तो एक लेफ्ट में लगाओ और एक राइट में लगाओ, तो देखो CH3 लेफ्ट में लगा दिया, फिर ये एक राइट में लगा दिया CH3,
आपको चार कार्बन का कंपाउंड मिला। ऊपर का भी देखो बाय प्रोडक्ट यहां से मैं लिखने आने भूल गया था, ये मिलेगा NaCl और यहां पे कितना 2 मोल क्लोरीन 2 मोल सोडियम क्या मिलेगा 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो उम्मीद करता हूं रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपने डाई सोडियम एल्कानेट बनाया जिसकी मदद से नॉन टर्मिनल एल्कान बनाया, राइट। तो ये टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जितने भी रिएक्शन थे सारे हमने यहां पे इंक्लूड कर दिए हैं और हर रिएक्शन में आपको ट्रिक बताने की कोशिश की है। रिएक्शन की ट्रिक आप समझने की सुनने की कोशिश करें, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको इसके आगे प्रॉपर्टी बताने वाला हूं रिडक्शन वगैरह। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो नंबर 4 है, 5 वीडियो में मिलेंगे आपको। उस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रॉपर्टी को क्लियर करूंगा एल्कलाइड की। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए, प्रॉब्लम बताइए और वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। थैंक यू।